There only two composers, एक ओपी नैयर और एक शंकर जयकिशन, जिनके नाम पर पिक्चरें बिक जाती थी. वो दो ही कंपोजर्स थे जिनके पोस्टर्स पे, होर्डिंग्स पे एक्टरों के साथ उनकी पिक्चर, उनकी फोटो लगती थी. Really? Yeah. It's a matter of pride for composers to even hear that. Composer, ऐसा होता था. आप कंपोजर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी सिंगर की बात करूंगी. एक जमाना था, फाइनेंसर पहले पूछता था कि इस पिक्चर में लता मंगेशकर के गाने 3-4 हैं कि नहीं, उसके बाद आशा के 2-3 डांस के गाने हैं तो हम पिक्चर लेते हैं. ये फैक्ट है कि लोग ये बोला करते थे. और उसके बाद जब आशा जी का नाम हम सुनते थे तो मैं पिक्चर देखने जाता था, बिकॉज ऑफ आशा पारे. तो प्लीज गिव अ बिग हैंड टू आशा पारे, ये फैक्ट है.